पहुंच गए 0 पॉइंट, बिल्कुल बेस कैंप है। गुड मॉर्निंग गाइज, कल रात तो बड़ी लेट हो गई थी, अंधेरा भी बहुत था तो इसलिए दिखाई नहीं पाया। हम लोग कब पहुँचे थे तो गंभीर भाई के गांव पे ही थे हम, मतलब उनके घर पे ही रुके थे, गंभीर भाई जो स्नूकर में मिला था। तो रात को मैंने सोचा क्या दिखाऊँ, सुबह ही दिखाऊँगा आप लोगों को। और बहुत ही बढ़िया नज़ारा हो रहा है, अभी दिखाता हूँ आपको। पहले मैं जाता हूँ नीचे, मुझे चाय वाय पीनी है और पानी वानी पी के गंभीर भाई के भाई की दुकान में ही जाते हैं हम नीचे, फिर मिलते हैं। ये देखो, ये था कल रात का नज़ारा। ये तो बहुत कम है, ये अभी आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई क्या नज़ारा है, इतनी सुनसानी है, आपको आवाज़ आ रही होगी नदी चलने की, नदी चल रही है। ऊपर जो ग्लेशियर्स है ना, यहाँ से पिघल के वहाँ जाके मिल रही है। इसी वाली नदी में एक ग्लेशियर यहाँ से आ रहा है ये, और ये जो आपको यहाँ पे छोटे छोटे घर दिख रहे हैं ना, ये गांव है। और इसमें कुछ ग्रीन ग्रीन वाले टेंट्स भी दिख रहे होंगे आपको, ऐसे टाइप के छोटे छोटे। तो ये इन्होंने टेंट बनाए हुए नवीन लोग, इधर कीड़ा ढूंढने जाते हैं इस वाले उसमें पूरे उसमें। तो अभी कीड़े का सीज़न अगस्त में ख़त्म हो जाता है, और अगस्त में ख़त्म होने के बाद ये लोग क्या करते हैं, फिर उसके बाद वही सीज़न शुरू कर देते हैं। तो अभी माइग्रेशन एंड चल रहा है, माइग्रेशन मतलब लोगों का माइग्रेशन, जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो लोग भी नीचे माइग्रेट करके जाते हैं, क्योंकि अब जो है सीज़न ऑफ हो चुका है, अब पड़ने वाली ख़तरनाक वाली बर्फ़। तो ये लास्ट मंथ है, मतलब पूरा पैक हो जाएगा, ये आपको जो पूरा दिख रहा है ना ये सब पैक हो जाएगा, मतलब रोड में। मैं नेक्स्ट टाइम जब आया था, मेरे पास फ़ोटोज़ होंगी तो मैं दिखाऊँगा आपको ये कि कैसा था ये मंज़र। और ये एक जो एरिया था इसका एक फ़ोटो आपको दिखाऊँगा। मशीन से निकली हुई जो कल दिखाई थी वाली मैगी चाउमीन, क्या बात है, बढ़िया लग रही है, बहुत अच्छी। हेड में सिर्फ नूडल्स ही मिलता है। हाँ, अमीन पटवारी, क्या मस्त घर बना हुआ है देखो। तो भाई ब्रश व्रश कर लेते हैं, और अभी बज रहे हैं 8:30, और बहुत खिली हुई धूप आ रही है, देखो क्या मस्त धूप आ रही है। और वो देखो सामने का व्यू क्या मस्त, सुबह भी देख लिया होगा आपने भी, अभी भी देख लो। तो ब्रश करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ये हमारे भैया मुंह धोने की तैयारी कर रहे हैं, बट 15 मिनट से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पानी में हाथ लगा पाऊँ, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, मैं मुंह धो पाऊँ। ओ भाई, बहुत ठंडा पानी है भाई। तो क्या हो गया आपके हाथ? जम गए भाई, टाइट हो गए, टाइट टाइट हो गए। कैसा लगा आपको मुंह धो के? कोयला, पिक्चर का कोयला याद आ गया, कोयला याद आ गया।
बट ये तो बर्फ है सारे इसमें, आप देख सकते हैं इधर भी और पीछे। फट गई यार मेरी, हार्ट लग गई। ओके, ये आप देख सकते हैं बालों को निहारा जा रहा है। ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। तो बल लला लोग जो तेरा गाना सुनना चाहते हैं, और वाली क्या कर रहे हैं? ये दाल बना रहे हैं। तो कौन सा वाला है? यहाँ की ट्रेडिशनल दाल। कौन सी दाल है ये? राजमा, अच्छा ब्लैक दाल। और ये यहाँ का शेर टिमटिम, ये सारे वेदर में यही रहते हैं। यहाँ का शेर है, यहाँ का बहुत खतरनाक शेर। सुबह ही है, ये हैं टिमटिम के छोटे छोटे से बच्चे जो अभी भी हो रखे हैं, बहुत क्यूट से हैं। और आज का जो सफ़र अब हम आगे करेंगे उसमें हम लोग सोच रहे थे कि टिमटिम को लेके जाएं, बट बहुत ज़्यादा ठंड है ऊपर तो वो नहीं जा पाएगा हमारे साथ। बट आगे इंजॉय करते हैं। और गांव वाले भी हमारे साथ जा रहे हैं, जो गांव वाले हैं मौसी वसी लोग जो हैं नवीन के, तो वो लोग भी हमारे साथ जा रहे हैं। आप इंजॉय करो आगे वीडियो, ठीक है? मिलते हैं। धूप की पहली किरण के साथ ताज़ा ताज़ा खाना। और ये देखो आप यार, कौन सा व्यासी ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर है ये? व्यासी ग्लेशियर है गाइस, ये व्यासी ग्लेशियर से बहती हुई नदी के साथ इतना बढ़िया नाश्ता। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था आपको। और यहाँ पर खान खाने वाला है ये मूली, फिर करने वाला है विस्फोट। देखो ये विस्फोट की तैयारी में है, ये मूली ने स्पेशली मांगी है। ने विस्फोट करना शुरू कर दिया है, मूली का असर हो गया है। अरे तो खाना खा रहे हैं आप, यहाँ विस्फोट कर रहे हैं। मूली खिला दी इसको, पदौड़ा कहीं का, पदौड़ा कहीं का। यहाँ तहाँ सो जा रहे हैं, पानी की तरह सो गया है वो आगे बंदे। देखो दोनों भाई एक फ्रेम में आएंगे, दोनों भाई आ गए एक ही फ्रेम में। वैसे यार बड़ा फैज इधर आ, खान ले ले, खान ले, खान ले, ये देख ले, खान ले ले ले, खान ले। कड़ी नींद निकल गई मुंह से। अरे अभी आ रही इतनी खतरनाक नींद हो गई है, मन कर रहा है यहीं सो जाऊं। चलो तो आपको एक गेम दिखाते हैं, कई मस्त गेम अभी चल रहा है यहाँ पे। रोजगार यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू से, गवर्नमेंट की ओर से रोजगार गारंटी जो कहा था, ये उसी का नतीजा नतीजा है यहाँ पे, किसी ना किसी का रोजगार बनेगा। हाँ, यहाँ पे सब इसीलिए बैठे हुए हैं, और सरकार यहाँ पे सब्सिडी दे रही है इसको खेलने के लिए 2-2 लाख की। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, खेलना है तो दिन भर गेम। ग्राम पंचायत के थ्रो जिसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, ग्राम पंचायत ये वाले मामले में क्षेत्र छोटी है ये। हां हमें सानी भी बिल्कुल शौचालय में अनुरोध कर रखा है कि बिल्कुल ये हमेशा ऑनलाइन चलना चाहिए। ये वाले ले गया धार्मा घाटी में, बस सब गया धार्मा घाटी में। यहाँ पे बिल्कुल टेंशन हो गया है, प्रधानमंत्री ने यहाँ पे कर दिया है 2200 करोड़ का टर्न ओवर दिया है धार्मा को। दिखाओ चेहरा, दिखाओ सब अपना। ये सब हमारे नागलिंग है, ये नागलिंग के, ये नागलिंग के जीते हैं। अरे चेहरा तो दिखाओ, वो देखो हमारा छोटा भाई व्यायाम नगड़ियाल, भगत सिंह नगड़ियाल इनका नाम है, वैम नाम से जाना जाते हैं। धार्मा वैली में आप इनसे संपर्क करके किसी भी चीज़ की फैसिलिटी ले सकते हैं, चाहे वो सीजन हो या ऑफ सीजन हो। और मुझे तो आप जानते ही हो यार, फोटो शूट हो रहा है, ये आप देख लो, ये सामने फोटो शूट हो रहा है। सुमित्रा
तो भाई एक बहुत प्यारा सा डॉगी मिला है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी पालतू जानवर हैं जैसे गाय है या बकरी है या कुत्ते हैं, उनके गले में ना घंटी सी बंधी होती है हर किसी के, ताकि जब भी कोई जानवर इनको खाने के लिए आए तो उनके गले में वो घंटी बजे और लोगों को पता लग जाए। तो भाई अब लोग सारे सीन इंजॉय करो, आगे जितने भी है वो सीनरीज और बहुत अच्छे अच्छे सीन वाला आगे वीडियोज़ आएगा, और अगर आपको स्किप करना है तो आप सीधे पहुंच सकते हैं 13:12 पे, तो उसके बाद ये व्लॉग शुरू होगा। बीच में बहुत सारे सीन्स डाल दिए मैंने, तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो इसको अगर आपको स्किप करना है तो, और 13 मिनट से शुरू कर सकते हो। अरे पंजा चुली पीक का आके दिखने वाले हैं हमें, बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पे। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं पंजा चुली बेस कैंप। पंचाचुली पीक, और मैं सच बताऊं जितना ये फ़ोन के कैमरे में भी नहीं आ रहा होगा उतना सच में ये आगे से सामने से सुंदर है, जितना ये फ़ोन में भी नहीं आ रहा है। वाह यार, अभी हम इसके ऊपर जाने वाले हैं तो जो पांचवी पीक है वो इस तरफ है, तो वहाँ दिखेगी। ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चार, पाँच है ना ये। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं दंतु विलेज, और यहां से बेस कैंप का ट्रैक शुरू होता है, और ये है वो रास्ता जहां से बेस ट्रैक शुरू होता है। कितने किलोमीटर है? 50 किलोमीटर नहीं भी होगा ना, तो यहाँ खड़ा नहीं होता। 50 कितना है? 2-2.5 किलोमीटर है गाइस। तो उसके बाद मिलते हैं आपसे, और लोग सब चले गए हैं आगे रास्ते में, हम लोग आगे रास्ते में मिलेंगे उनसे। पानी की बॉटल भर ली है, बहुत चिल्ड हो रहा है पानी, बहुत ठंडा, हाथ में पकड़ने में भी दर्द हो रहा है, ये इतना ठंडा है पानी बॉटल के अंदर। मिलते हैं। सो गाइस ट्रैकिंग शुरू कर दी है हमने पंचचुली के लिए, ट्रैक शुरू हो गया यहाँ से। एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ये पीक्स ऑफ पंचचुली। तारों के नीचे से आए इंडोनेशिया से, ये नेपाली घूमने के बड़े बड़े शौकीन है, और इनका नाम है बहादुर सिंह। तो आप बताना चाहेंगे? नहीं नहीं, पहले रुकना नहीं है, आप बताइए आपको कैसा लगा। मनी भी ये देखो, ट्रैकिंग करेंगे नवाब। कहाँ के नवाब हैं आप? रामपुर के नवाब हैं। ये देखो भैया, हाँ क्या कह रहा था, गाड़ी लेके आऊंगा है? मालदीव जाएगा लोगों।
ये बंदा हुआ सिंगल भी के नहीं कहने वाला सबको गाली दे रहा हूँ एक बार। हाँ भाई क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग दीजिए। और उम्मीद रही कि अपना पूरा चेक कंप्लीट करेंगे हम इसी 15-20 मिनट के अंदर। क्या अब सीधे वहाँ का मंजिल अभी बहुत करीब है, उधर घुमाते हुए दिखा दे इनको। हाँ, इन्हें दिखा दीजिए एक बार। भाई ये है एक ट्रैक का सीन, वहाँ पहुँचना है हमें। ट्रैक करने में मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत सिंपल ट्रैक है यहाँ पे और ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है। और हमारे साथ है यहाँ पे भगत नगरियाल कैमरामैन, चांद नवाब के साथ। चांद नवाब बाकी वादियों में आके चिल करो, सिंपल ट्रैक है, आ सकते हो आराम से। बाकी ऊपर जाके मिलते हैं। ये दाई पकड़ के लाए हैं एक बहुत बढ़िया बकरा। लाख लाख बधाइयां। क्या बात है ये मैन, जो मिला नहीं था अकला। हां हां चा सगल मिल रही है भाई की। कहां जंगल में छुटा सा तेरा है, किसी और का है यार, मिल गया मैं तो फिर कैप्चर करना नहीं है, कैप्चर होने तो अब ए भाई क्या बढ़िया जगह है, देखो यार ऐसी पीसफुल जगह में मजा आता है ना घूमने में। क्या भाई पता क्या लगी मुझे यहाँ पे आके, ये भाई बहुत बढ़िया इनिशिएट है, इनकी जरूरत पड़ती नहीं, ये उनके लिए जो खाली गन मजाने आते हैं, बिल्कुल नेचुरल वादियों का लुत्फ उठाने नहीं आता है। भाई 5 रुपए का बिस्किट ले रहे हो वो जेब में संभाला है और उसके बाद जब वो खाली हो जाता है पैकेट फेंक देते हो, क्या मतलब है उसका? 5 ग्राम का भी नहीं होगा वो पैकेट, जहाँ पे उसकी जरूरत है वहाँ जाके फेंक दो। अपनी सरकार चलती तो फूंक देते सालों को। तो ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, पैसा नहीं करना है गाइस यार, हम ही को इनिशिएट लेना पड़ेगा। ग्लेशियर वैसे तेजी से सूख रहे पता, ग्लोबल वार्मिंग यार अपने पीक पे भाई, हमारे गांव में तो मच्छर आ गया। समझ लो भाई कितनी गंदगी हो चुकी है। तो भैया जो आ रहे हैं वो देखो अपने लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं। हाँ यार चलो आगे मिलते हैं आपसे। क्या बात है, मतलब आप इससे पता लगा सकते हो क्या खतरनाक वाली ठंड पड़ रही होगी यहाँ, देखो कैसे सीख बनी हुई है। ये देखो पहले इसको, हर साला खुजला रिया था ना, खुजला रिया था ये हमारे मित्र के लिए है। मैं नहीं चाहता कि इनकी उंगलियों में ठेस पहुंचे, ऐसा भी आपके लिए बड़े भाई को खिलाओ। नहीं नहीं थोड़े पहले कुछ कर रहे थे आप, खुजाओ इससे, खुजाओ भाई इससे, अच्छा खुजा है, खुजाओ इससे, खुजाओ कई बुआट ये देख रहे हो। ये भगत सिंह नंगनियाल दारमा वैली से 105 सीधे पंचाचली बेस कैंप के लिए। शिकारी सो गाइस वेलकम टू पंचाचली पीक, कम फाइनली वी आर इन पंचाचुली पीक गाइस, मजा आ गया, ऑल योर्स। भाई ये है यहाँ पे इग्लू, ये दाई के हमारे कितने इग्लू है दाई इधर? 5। क्या बात है, अंदर से दिखाते हैं आपको कैसे हैं ये।
अच्छा ये दिस इज किचन रूम दिखा दो ये है हमारी यहाँ पे गैंग पहुंच चुकी है पहले ही यहाँ पे पाँच पता चलेगा कौन नाच रहा है ये तो वही है येलो और ये देखो भाई ये है यहाँ के शिकारी शिकारी आ चुकी है इग्लो के अंदर चाय पी रहे हम लोग मैगी बंदे में और यहाँ भाई लोग बैठे हैं सब चाय पीने बना दिया